नमस्ते वाव इतने जय हिंद भी बोलना है ओके ओके सॉरी सनबीम में जय हिंद बोलते हैं तो नो गुड मॉर्निंग नो गुड आफ्टरनून जय हिंद तो फिर जैन बोल तो थोड़ा जोश से बोलते हैं वन टू थ्री हिंद वेरी गुड तो नमस्कार दर्शकों मैं चेतन भगत और मैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में हूँ जिसे बनारस भी बोलते हैं काशी भी बोलते हैं लोग कहते हैं कि ये बाबा विश्वनाथ की नगरी है और ये शहर दुनिया का भारत का ही नहीं दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से है मतलब जब भारत भी नहीं होता था बनारस होता था ये इतना पहले का शहर है लेकिन ऐसा नहीं कि पहले का है तो आज इसकी कोई महत्वता नहीं है भाई पुराना है आज भी जैसे यूथ कहता है ये रॉकिंग सिटी है और uh, मुझे ये बहुत पहले पता थी बात तभी आप लोगों ने मेरी बुक पढ़ी है रेवोल्यूशन 2020 जो बनारस में सेट थी 2011 में और उसके बाद और भी रॉकिंग हो गई है क्योंकि ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिटेंसी uh, है और अभी हम चुनाव के बीच हैं फर्स्ट जून को है आपका yes, आप लोग वोट देने जा रहे हैं yes, सब के सब yes, तो जो पूरे देश में भी यूथ देख रहा हो उनको मैं यही बोलूँगा कि इंस्टाग्राम कहीं नहीं जा रहा रील्स कहीं नहीं जा रहे यूट्यूब कहीं नहीं जा रहा वोट दे के आ जाना और आज का जो मुद्दा है बहुत ही दिलचस्प है एक तरह से और एक तरह से कठिन भी है लेकिन जो कठिन होता है उसी में मज़ा आता है और वो मुद्दा ये है कि धर्म और जाति की राजनीति हालाँकि जब भी पॉलिटिक्स की डिस्कशन होती है बात विकास की होती है सुशासन की होती है भ्रष्टाचार की होती है महंगाई की होती है लेकिन ये भी एक हकीकत है कि धर्म और जाति भारत में जब लोग वोट करते हैं इसको नज़र में रखते हैं इसके पास मेरे पास कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा भी है मैं एक्सपर्ट्स को भी बुलाऊंगा और हमारे साथ बहुत सीनियर नेता भी हैं आपके स्टेट के उनको भी बुलाऊंगा और मोर देन एनीथिंग मैं आपकी बातें सुनना चाहूंगा सबसे पहले आएंगे बीजेपी के दयाशंकर मिश्रा जी जो अभी भी ये आयुष मंत्री हैं सरकार में हैं और इनके साथ समाजवादी पार्टी के मनोज राय जी जो उनके प्रवक्ता हैं आइए सर और इनके साथ साथ हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स भी हैं जो इस मुद्दे पे अपनी एक्सपर्ट राय देंगे वो हैं विजय त्रिवेदी जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं आइए सर और प्रोफेसर चंद्रचूर सिंह जो राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रोफेसर हैं आइए सर और मेरे साथ मेरा सपोर्ट देंगी मेरी को एंकर शरीन जो यहाँ पे हैं न आप ही को सबसे इंपॉर्टेंट जवाब लेने हैं लोगों से पूछना है धर्म के नाम पे वोट पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते एटलीस्ट एक डेटा सेट मेरे पास है लाइक आई सेट सीक्रेट बैलेट है इंडिया में हमें एग्जैक्टली exactly तो नहीं पता होता तो सर्वे से ही पता लग सकता है एक प्योर रिसर्च सेंटर का सर्वे है कि जैसे 2019 में बीजेपी को मिले हिंदू वोट उत्तर भारत में 68 परसेंट मध्य भारत में 65 पूर्वी में 46, उत्तर पूर्वी में 73 पश्चिमी में 56 दक्षिण में 19 सिमिलरली अगर आप मुस्लिम वोट को देखें तो जहाँ पे कांग्रेस जब बीजेपी से सीधा मुकाबला वाले राज्यों में 72 से 78 परसेंट लोग मुसलमान लोग कांग्रेस को वोट देते हैं ऐसे कई डेटा पॉइंट्स हैं मैं ज़्यादा और 2019 में बीजेपी को सिर्फ आठ परसेंट मुसलमानों ने वोट दिया कांग्रेस को 33 लाइक आई सेड ये सर्वे हैं ये डेटा है लेकिन आज हम असली वोटर्स की बात सुनने आए हैं पहली बात तो मुझे ये बताओ कि आपको लगता है धर्म और जाति पे राजनीति होती है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए और आपका इस पे क्या व्यू है सो प्लीज गर्ल्स बॉयज प्लीज रेज योर हैंड शिरीन विल कम टू यू बिल्कुल देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हम वाराणसी धर्म की नगरी में हैं और धर्म और जाति ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारे भविष्य के लिए कितना इंपॉर्टेंट है यही जानने के लिए हम आए हैं तो जल्दी से हाथ अपने उठाइएगा चलिए शुरुआत आपसे ही करती हूँ बताइए नाम अपना और ये कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है कि ये मुद्दे हैं आपके लिए सर आए हैं उत्कांशी चतुर्वेदी स्टूडेंट ऑफ सनबीम बीम वुमेंस कॉलेज वरुणा एंड सर मेरा ओपिनियन ये है कि धर्म और जाति नहीं होनी चाहिए क्योंकि भगवान के घर से सब एक बराबर बनकर आते हैं इंसानों ने उनको बांटा है वो बात अलग है इसलिए सर धर्म और जाति नहीं होनी चाहिए सबको एक बराबर हक मिलना चाहिए जैसा कि अभी बीजेपी कर रही है मैं पर्सनली नहीं कहूंगी कि मस्जिदों को हटाकर मंदिर बनाए जा रहे हैं मंदिर बनाइए लेकिन मस्जिदों को मत हटाइए क्योंकि तो वो okay. भी उनका ज्ञान व्यापी मुद्दा यहाँ पे भी एक काफी चालू है छोटे छोटे देना बेटे ताकि मैं पास भी जा नीलू सोनकर है मैं सनबीन वर्मा की छात्रा हूँ मेरा ये ओपिनियन है कि अगर ऐसी ही जात और ये रिलीजन पे अगर हम पॉलिटिक्स करेंगे तो हमारा जो नेशनल बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं लैक हो जाएगा डेवलपमेंट में और कहीं और भी मामले में मेरा नाम आद्या अग्रवाल है और मैं सनभीम वुमेन्स कॉलेज वरुणा की छात्र हूँ मेरा बस यही कहना है कि जो हमारे राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे लाएँगे okay. और okay. कोई इधर ओके जय हिंद सर मेरा नाम शुभांगी सिंह है एंड सनबीम वुमेंस कॉलेज फ्रॉम भगवानपुर की छात्रा है मेरा यही ओपिनियन है कि ये सच्चाई है और बहुत ब्रूटल सच्चाई है कि भारत जिसमें इतने प्रकार के धर्म हैं यहाँ पे इलेक्शंस और वोट ज़रूर इस मुद्दे पर होते हैं और धर्म के बेसिस पे वो पढ़ते हैं कि रियलिटी है आप माने चाहे ना माने बच्चे कह रहे हैं कि होना नहीं चाहिए लेकिन होता है तो चलिए हम सपा वालों से शुरू करते हैं आप बताइए सर आपका क्या रिएक्शन है इन पर बच्चे कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए विकास पर ध्यान देना चाहिए लेकिन जाति कास्ट रिलीजन ये सब सुनते हैं हम कास्ट इक्वेशन समझनी है रिलीजियस इक्वेशन समझनी है तो ऐसा अब आपकी राय देखिए ये सच्चाई है कि हम जिस जात में पैदा होते हैं जिस धर्म में पैदा होते हैं उसी को लेके मरते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जाति की बात या जाति जनगणना की बात समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस के लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम भागीदारी देने की बात करते हैं आप हिस्सेदारी और भागीदारी नगर नहीं दीजिएगा कोई कमज़ोर है हमारे घर में मान लीजिए कि एक बेटा है अभी तो कोई रसगुल्ले आए या कोई टॉफ़ी आई तो उसको एक है दो अगर मैं लाया तो दोनों उसको मिलता है लेकिन अगर दूसरा बेटा हुआ तो वो दो आता है तो एक उसको भी दिया जाता है और एक उसको भी दिया हो जाता है बेटा या बेटी कुछ भी हो तो अगर ये बड़ा वाला ये सोचे कि मेरी हिस्सेदारी छीनी जा रही है तो ये गलत है क्योंकि जब तक आप इक्वल नहीं करिएगा लोगों को बराबर नहीं करिएगा तब तक न आप तरक्की कर सकते हैं न देश तरक्की कर सकता है न समाज तरक्की कर सकता है क्योंकि बराबरी का दर्जा आपको देना चाहिए बराबरी चाहे हमारी महिलाएं महिलाएं हैं हम लोग जो है हमेशा समाजवादी लोग ये बात करते हैं कि महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देना चाहिए डॉक्टर लोहिया भी कहा करते थे इन परिस्थितियों में जब कास्ट सेंस की बात हो रही है जाति जनगणना की बात इसलिए हम करते हैं कि हमको पता होना चाहिए कि हमारे किस भाई की कि आर्थिक स्थिति क्या है पारिवारिक स्थिति क्या है कोई कोई आरक्षण देना हम एहसान नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर विकास का, का काम तो अंग्रेज भी करते थे क्यों हम अंग्रेजों को हटाए इसलिए कि वो अत्याचार करते थे वो बराबर सबको नहीं देखते थे जो राजा लोग थे वो भी कुछ ना कुछ विकास करते थे लेकिन राजा लोगों के कुछ ही खास लोग थे इसी तरह अंग्रेजों के कुछ ही खास लोग थे जिनके हितों में वो फैसला करते थे विकास तो बहुत किया ट्रेन चलाया सड़कें चलाई बिजली चलाई लेकिन जब हमारा संविधान बना जब हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों के हटाने के लिए सारे आजा, आजादी की लड़ाई में सारी जातियां और धर्म ने जिनको भी जितना हो सकता था उतना करके अंग्रेज को भगाया और सरदार पटेल हो चाहे नेहरू हो चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि जो लोग पिछड़े हैं जिनको समाज में नीचे का स्थान है उनको जब हम बराबर लाएंगे तो वो हमारे हिसाब से चलेंगे मतलब देश के हिसाब से चलेंगे और देश चले। तरक्की करेगा इसीलिए और और को भी मौका देते हैं और आगे है आपके पास सर वापस सर वो कह रहे हैं काफी चीजें वो कह रहे हैं इसलिए जात जरूरी है विकास तो अंग्रेज भी करते थे उन्होंने कहा उनके वर्ड्स हैं जिस दल का गठन ही जाति के नाम पर हुआ हो जिन लोगों ने जाति के नाम पर वोट लेने के लिए सत्ता हासिल करने के लिए पूरे समाज को बांट के रखा हो उन लोगों के लिए देश सर्वोपरि नहीं है उनको सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए इस देश में न जाने कितने राजनीतिक दलों का गठन हुआ जिन लोगों ने जातियों के नाम पे पार्टी बना किसी ने राष्ट्र को सर्वोपरि नहीं रखा लेकिन आज इस देश का वर्तमान जानता है यहाँ नई पीढ़ी के लोग बैठे हैं मोदी जी ने कहा कि इस देश में चार जातियाँ हैं जिस गरीब को किसान को मजदूर को ये लोग अगड़े पिछड़े की बात करते रहे लेकिन कभी किसी ने अपनी जाति को दिया कुछ नहीं मोदी जी ने गरीबी के नाम पर इस देश के ग़रीबों को चार करोड़ गरीबों को घर दिया क्या आपको नहीं लगता कि पिछले सत्तर वर्षों में गरीब को उसका हक मिलना चाहिए था गरीब को अनाज देना उसका भी उपहास करते हैं किसी गरीब को रोटी देना इसी की तो इसीलिए तो वो तड़प रहा है अस्सी करोड़ से ज़्यादा लोगों को इस देश में पिछले लगातार कोरोना के काल से जब लोगों के सामने रोटी के लाले थे तो इस देश के अस्सी करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन दिया चार करोड़ लोगों को घर दिया इकतीस करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड में इलाज की सुविधा दिया इस देश की दस करोड़ महिलाओं को उज्वला का कनेक्शन दिया वो गरीब औरतें ये सारी बातें उस इंसान ने किया जिसको देश गरीब का बेटा कहता है गरीबी वो जानता था दर्द उसको पता था उसने अपनी माँ को देखा था दूसरों के घरों में बर्तन माँज के अपना घर चलाते हुए उन्होंने फिर दस करोड़ दस करोड़ उज्ज्वला के वो कनेक्शन हैं जिन्होंने घरों से अपनी माँओं को धुएं से निजात दिलाया उनकी आंखों में आंसू निकलना और उनके सर के माइग्रेन से मुक्ति दिलाया दस करोड़ महिलाओं को इस देश में इज्जत घर नाम देके शौचालय उपलब्ध कराया मैं ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो इस पिछले दस वर्ष की सरकार में ये कोरे नारों की सरकार नहीं थी इस सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया विजय सर चेतन जी मैं बच्चों से बात शुरू करता हूँ बच्चों ने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण की उन्होंने कहा कि धर्म और जाति दोनों हमें ज़रूरी नहीं है लेकिन दोनों चल रही है राजनीति में ये बच्चे किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं ज़्यादातर लोगों ने ये कहा तो इसको मोटे तौर पर सच माना जाए तो उस पर हम आगे बात करते हैं अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी बात की समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी बात की अब हकीकत क्या है क्या देश में जाति की राजनीति नहीं हो रही धर्म की राजनीति नहीं हो रही ये बात ठीक है कि सरकार की योजनाएं किसी जाति या धर्म को लेकर नहीं चलती हैं और कोई पार्टी धर्म की बात नहीं कर रही जाति की बात नहीं कर रही जैसे जयशंकर जी ने जिक्र किया लेकिन बात बात में इस बात का जिक्र करना कि हमारे एट्टी एट एमपी हैं हमारे पास उनतीस मिनिस्टर जो हैं ओ बी सी के हैं हमारा प्रधानमंत्री ओ बी सी का है तो ये किस बात के लिए फोकस करना चाहते हैं यदि आप धर्म पर बात नहीं जाति पर बात नहीं करना चाह रहे या समाजवादी पार्टी में या इंडिया गठबंधन में जब जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो जब हम जाति के साथ चलना नहीं चाहते तो जातिगत जनगणना किस आधार पर कर रहे हैं और सरकार की योजनाएँ सभी के लिए होती हैं ये इस सरकार की बात नहीं सभी सरकारों में उसी तरह से योजनाएँ है चलती हैं लेकिन अब तो कुछ दलों में जातियां भी परिवार तक पहुंच गई हैं परिवार ही जाति हो गई है तो उस पर भी चर्चा करनी चाहिए और ये जो नौजवान पीढ़ी है ये आपको जाति और धर्म पर रिजेक्ट कर रही है यदि आप इसको जितना जल्दी समझ लेंगे वो देश के लिए तो फ़ायदेमंद है ही आपके घर के लिए भी फायदेमंद है चेतन जी बात यह है कि क्या है और क्या होना चाहिए शायद उसमें कभी भी तारतम्यता होती नहीं है लोकतंत्र समानता के बिना अधूरा होता है पर सच्चाई ये है कि क्या सभी वास्तविक रूप में समान हैं समान सभी हैं नहीं जैसे ही लोकतंत्र होगा लोकतंत्र में संख्या आएगी और संख्या आएगी तो बहुमत और अल्पमत होगा ही अब जाति और धर्म दोनों ऐसे आधार हैं जिसके फॉल्ट लाइंस के आधार पर जनता का मोबिलाइजेशन बहुत आसानी से हो जाता है इसलिए चाहे वो पहला चुनाव हो या आज़ादी के पहले के कोई चुनाव रहे हो तब से लेकर अब तक कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें धर्म और जाति की भूमिका नहीं रही है या धर्म और जाति के आधार पर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं किया गया हो और ये तब तक जैसे बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए बट इसको नहीं होने के लिए बहुत आवश्यक ये है कि जो संपदाएं हैं उनका वितरण बेहतर हो जो साइज ऑफ द केक है वो बढ़े क्योंकि जब तक साइज ऑफ केक नहीं बढ़ेगा जब तक प्रोस्पैरिटी नहीं होगी तब तक ये फॉल्ट लाइंस रहेंगे और इन फॉल्ट लाइंस का जो राजनीतिक फायदा है वो लोग उठाते रहेंगे hmm. तो उसी इसी इसीलिए अगर आप देखिए पिछले दस वर्षों में ये क्यों ऐसा रहा है कि एक सकारात्मकता प्रतीत हो रही है वो प्रतीत इसीलिए हो रही है कि शायद प्रोस्पेरिटी थोड़ा बढ़ता जा रहा है आप देखेंगे कि थोड़ी इकोनॉमी आपकी बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे अब ये एक दिन का खेल तो है नहीं इट विल टेक टाइम एबीपी न्यूज आपको रखे आगे